वापस लेके भी आना है तो आप क्या नीचे निकल जाओगे? चलो मैं छोड़ दूंगा। एक फैमिली बेचारी लाचार थी, लाचार तो मैं कह नहीं सकता, बट यार मुसीबत में थी, मैं यार कर देते मदद। एक्चुअली सीन पता क्या था, पीछे उनका ड्राइवर जिस टेम्पो में आए होंगे उनका ड्राइवर भक्या, अब उनको ये नहीं पता वो ड्राइवर इधर है या पीछे है। ये जाम लगा हुआ है तो हाँ, तो अगर आपको ठीक लगता है मेरे बच्चे को यहाँ तक छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ चल के आ जाएंगे। अगर आपको देर तो कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊंगा, लेके आऊंगा, कोई चक्कर नहीं भाई। जैसे तैसे आप ये टनल तक तो पहुंच गए, बाकी तुम ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता मेरी ड्रीम कॉन्सेप्ट पे जाता है, यानी कि ये जाता है लेह लद्दाख पे। ओ भाई 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 भाई, अभी फटके चार हो गई थी मेरी, सही बताऊँ मुझे लगा मेमोरी फॉर्मेट हो गया फिर से भाई। एक राइडर के लिए, एक मोटो व्लॉगर के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसका मेमोरी फॉर्मेट होना भाई। जैसा मैंने बताया था ना, मौसम ख़राब हो रहा है, सो चेक दिस आउट, ऊपर देखो भाई, भयंकर वाला मौसम हो रखा है। अभी फटके चार हो गई थी मेरी, सही बताऊँ मुझे लगा मेमोरी फॉर्मेट हो गया फिर से भाई। एक राइडर के लिए, एक मोटो व्लॉगर के लिए सबसे बड़ा दुख होता है उसका मेमोरी फॉर्मेट होना, मेरे लिए तो होता है भाई, बाकियों का मुझे पता नहीं। वापस लेके भी आना है तो आप क्या निकल जाओगे? चलो मैं छोड़ दूंगा। सो भाई अभी एक सीन होगा, एक ड्राइवर पता नहीं अपनी फैमिली को कहाँ छोड़ के चला गया, सो आगे जा रहा हूँ बस, गाड़ी देख करके आते हैं क्या सीन है भाई, पता नहीं कब जाएगी मेरी ये बुरी आदत मदद करने वाली। एक फैमिली बेचारी लाचार थी, लाचार तो मैं कह नहीं सकता, बट यार मुसीबत में थी, मैं यार कर देते मदद। एक्चुअली सीन पता क्या था, पीछे उनका ड्राइवर जिस टेम्पो में आए होंगे उनका ड्राइवर भक्या, अब उनको ये नहीं पता वो ड्राइवर इधर है या पीछे है, तो बस तुम्हारे भाई को बोला आगे छोड़ दो पीछे छोड़ दो, बस तुम्हारा भाई आ गया फिर। आदत से मजबूर भाई, भारद्वाज चल चुका भाई बहुत आगे, मुझे पता है बहुत आगे निकल गया होगा, पीछे से गरिया रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। ये जाम लगा हुआ है तो हाँ, तो अगर आपको ठीक लगता है मेरे बच्चे को यहाँ तक छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ चल के आ जाएंगे। अगर आपको देर तो कोई बात नहीं, मैं चल के जाऊंगा, लेके आऊंगा। कितने हैं बच्चे? हम चार मेंबर है, मेरे दो ही बच्चे हैं। दो आ जाएंगे इस पे? है जगह तो छोटे को लगता है, बड़ी चल के आ जाएगी। ठीक, गाड़ी मिली गई, गाड़ी घनी आगे से है। एक काम करो आप भाई, तुमने लोग तुमने भी जल्दी से जाओ, बिठा सकते हैं वहीं, छोड़ देना है। हां ठीक है, चल हमें हम लोग चल के चल के आएंगे। नहीं आगे से राइट साइड में आओ, भैया परेशान कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। पकड़ना पड़ेगा बैग, मेरे को तो याद ही, मैं कहाँ पे रुका था, मेरे को तो याद ही नहीं मैं कहाँ पे रुका था। कोई चक्कर नहीं, गोप्रो की बैटरी सिर्फ 3% चार्ज है भाई। आगे तो बहुत ही मौसम खराब है यार, फंस गया भाई, मैं फंस गया, लिटरली फंस गया भाई। भाई मौसम बिगड़ता जा रहा है यार, हवा इतनी तेज चल रही है ना भाई, बाइक में बैलेंस बनाना मुश्किल हो जा रहा है यार, और ऊपर से लेट हो चुका हूँ ना मैं इतना ज्यादा यार। ओ भाई ठंड नेक्स्ट लेवल पे लग रही है भयंकर यार, जूते पूरे गंदे हो चुके हैं यार, जूते भी गिल्ले पड़े, ऊपर से बरसात हो रही है ना, ठंडी ठंडी हवा। गलत रुक गया भाई, मैं गलत रुक गया, अगर भरद्वाज रुका होगा तो भाई बहुत दिक्कत है, बहुत गालियाँ देगा, अगर नहीं रुका होगा चल गया होगा, कोई चक्कर नहीं यार, रिकवर कर लेंगे। भाई जैसे तैसे आप ये टनल तक तो पहुंच गए, बाकी तुम ये रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता मेरी ड्रीम कॉन्सेप्ट पे जाता है, यानी कि ये जाता है लेह लद्दाख पे। कोई चक्कर नहीं है यार, करेंगे लेह लद्दाख भी करेंगे, बट यार अभी पहुंच गए अपा टनल के पास भाई, फाइनली फाइनली घुसे अंदर। मुझे लग रहा है भरद्वाज इसके अंदर ना बैठा हो। एक्चुअली सीन क्या है कि ना फ़ोन वगैरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मतलब दोनों मेरे सेम है, दोनों के दोनों ब्लॉक रखे हैं, फ़ोन वगैरह भी नहीं कर पा रहे हम लोग। अब जा करके ना गोप्रो वगैरह चार्ज किया मैंने, और सामान इतना ज़्यादा हो रखा है ना मेरे बाइक पे भाई साहब, बॉम हो रखा है बिल्कुल ही भाई साहब।
सो बस अभी मैं रुका था कुछ खाने पीने के लिए, बट अपना खाना भी हो चुका है, अब निकलते हैं। ओके तो ठंड हो रही है, मैंने हुडी उतार दिया पीछे। एक्चुअली मैं तुम्हें एक चीज़ बताता चलूँ, अभी मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने मम्मी को बोला मैं रात के 3 या 2 बजे पहुँचने वाला हूँ, बड़े अपन 9-10 बजे पहुँच जाएंगे या हद से 11। छोटा सा सरप्राइज देखिए, बिल्कुल छोटा सा। ये GoPro बहुत दिक्कत दे रहा है यार, बार बार इसकी बैटरी निकाल के इंसर्ट करनी पड़ रही है इसके अंदर, जब जाके इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है यार। ये व्यू चेक करो, मज़ेदार, क्या व्यू आ रहा है भाई, क्या व्यू आ रहा है ओपी भाई। भाई इसका एक फील अपना मुझे घर तक ले जाएगा भाई यार, इसको चला करके इतना मजा आता है ना। तो मामले में ना RR 310 से बहुत बेटर है। सबसे पहला सीट कंफर्ट, मस्त है एकदम सीट कंफर्ट, एंड दूसरा जो है इसकी ब्रेक के RR 310 10/10 बढ़िया है। बट यार RR तो RR है ना, नहीं कुछ बागा वाले यार कही छा वाले नहीं कोई ना। भाई ओ भाई 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 भाई, हाँ लिमिटर आ गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है। 148 पता नहीं 146 पे लिमिटर आ गया। नहीं, 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 क्या हुआ? हाँ इतना दुख रहा है ना, अपा कंटिन्यू चल रहे, सीधा कंटिन्यू हरियाणा में जाके रुकने वाले अपा। भाई बहुत बहुत देर बाद मिले यार टनल, बहुत ज्यादा थक गया यार, बहुत थक गया। 5 minutes later. तो यार अभी मैंने भाई का इंतजार किया भरद्वाज का, बट यार वो आई नहीं रहा मेरे ख्याल से, ना वो आगे निकल चुका है कैंट की ओर। और ज्यादा देर ना रुकते हुए मैं भी चलता हूँ घर पे। ओ भाई गली की तो ऐसे ऐसे कर दी उन्होंने।